हेलो बच्चों, आज हम क्लास सिक्स का प्रैक्टिस सेट 20 यहाँ पर देखेंगे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फिगर बिलो, व्हिच ऑफ देम हैज मोर देन वन एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो देखिए ये जो फिगर हमें यहाँ पर दी गई है, ये जो फिगर्स यहाँ पर दी गई है, इस फिगर्स में हमें यहाँ पर एक्सिस निकालने हैं। तो कौन सी फिगर में वन एक्सिस आता है, किस फिगर में टू एक्सिस आते हैं, किस फिगर में थ्री एक्सिस आता है, हुँ? और थ्री से ज़्यादा फोर एक्सिस भी किस फिगर में आता है, वो हमें यहाँ पर निकालने हैं। अभी देखिए ये जो पहली जो यहाँ पर फिगर दी है, इस फिगर में देखिए इस तरह से हमने एक्सिस लिया, देखिए इस तरह से हम इसमें एक्सिस निकालेंगे। तो इस फिगर के टू पार्ट होंगे, ठीक है, सेम टू पार्ट होंगे। तो इस तरह से भी हम यहाँ पर एक्सिस ले सकते हैं, इससे भी इस फिगर के टू पार्ट्स होंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो फिगर है, इस फिगर में देखिए ट्रायंगल है, यह इस तरह से भी हम यहाँ पर टू पार्ट्स कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। मतलब इस ट्रायंगल की फिगर में यहाँ पर थ्री एक्सिस आएंगे। देखिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं पहला एक्सिस ट्रायंगल का, ये हो गया फर्स्ट एक्सिस। फिर यहाँ से देखिए ये हो गए, इसमें दो एक्सिस हो गए। फिर यहाँ पर एक थ्री, मतलब ट्रायंगल में यहाँ पर कितने एक्सिस हम यहाँ पर निकालेंगे, थ्री एक्सिस होंगे। ठीक है, उसके बाद अगली जो फिगर है, इस फिगर में सिर्फ यहाँ पर एक एक्सिस आएगा। देखिए इससे क्या होगा, इस फिगर के दो सेम पार्ट तैयार होंगे। इसके बाद अगली जो फिगर है, इस फिगर में देखिए फोर एक्सिस आएंगे। कैसे आएंगे, पहले हम ये वन एक्सिस यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट। फिर देखिए यहाँ पर सेकंड हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ये थ्री नंबर और हो गया फोर नंबर। इस तरह से हम यहाँ पर फोर एक्सिस निकालेंगे, ठीक से एक्सिस निकालना है उसी पॉइंट पे। समझ में आया। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है देखिए, राइट द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इन योर नोटबुक, try to draw their axis of symmetry, which ones have an axis of symmetry, which ones have more than one axis of symmetry। हम यहाँ पर वन से लेकर जेड तक पहले अल्फाबेट सारे यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, अभी देखिए एक जो अल्फाबेट है इसमें सिर्फ एक ही एक्सिस आता है, जिससे इसके टू पार्ट यहाँ पर सेम हो गए। ठीक है, बी के एक्सिस, बी जो अल्फाबेट है इसमें भी एक के एक्सिस आएगा। इस तरह से सी ये जो अल्फाबेट है इसमें भी यहाँ पर देखिए हॉरिजेंटली एक्सिस आएगा। डी जो देखिए अल्फाबेट है इसमें भी हॉरिजेंटली एक्सिस आएगा, एक एक्सिस आएगा। ई में भी एक के एक्सिस आएगा, एफ में कोई भी एक्सिस नहीं आएगा। हमने यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस लिया तो टू पार्ट नहीं होंगे, टू कंपार्टमेंट्स नहीं होंगे। हॉरिजेंटल भी एक्सिस लिया तो टू कंपार्टमेंट सेम नहीं होंगे। जी का भी वैसे ही, जी में भी कोई एक्सिस नहीं होगा। एच में देखिए वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों एक्सिस यहाँ पर आएंगे। ठीक है, आई जो है इसमें सिर्फ वर्टिकल एक्सिस आएगा, जे में कोई एक्सिस नहीं आएगा, के में भी कोई एक्सिस नहीं आएगा, एल में भी नहीं, एम एम ये जो अल्फाबेट है इसमें वन एक्सिस है यहाँ पर आएगा। इसके बाद एन में भी कोई नहीं आएगा। ओ ओ जो ये जो अल्फाबेट है इसमें कितने एक्सिस आएंगे, देखिए वन टू थ्री और फोर, पी क्यू आर और एस इसमें कोई यहाँ पर एक्सिस हम यहाँ पर नहीं निकालेंगे। टी में एक एक्सिस आएगा वर्टिकल, यू में भी वर्टिकल, वी में भी वर्टिकल, डब्ल्यू एक्स वाई इसमें सभी में वर्टिकल एक्सिस आएंगे।
जेड में कोई एक्सिस नहीं आएगा। तो हम आंसर लिखेंगे, देखिए, लेटर विच हैज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री ए बी सी डी ई एच आई के एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। देखिए ये जो है लेटर, इसमें क्या हुआ, ए के एक्सिस यहाँ पर आया है। देखिए के हमने यहाँ पर लिखा है, लेकिन के में हमने यहाँ पर कोई एक्सिस नहीं निकाला, तो ये एक्सिस हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। के में इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस आएगा, ठीक है। इसके बाद लेटर विच हैज मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री एच आई ओ एक्स, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यूज कलर अ थ्रेड एंड अ फोल्डेड पेपर टू ड्रॉ सिमेट्री शेप्स। हमें यहाँ पर क्या करना है, कलर का यूज करना है, थ्रेड का यूज करना है और फोल्डेड पेपर का यूज करना है, और उससे हम यहाँ पर सिमेट्रिकल शेप्स यहाँ पर बनाने हैं। ये एक्टिविटी है, बच्चों को ये खुद ही करनी है। इसके बाद ऑब्जर्व द वेरियस कॉमनली सीन ऑब्जेक्ट सच एज ट्री लीव्स बर्ड्स एंड फ्लाइट पिक्चर्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, फाइंड सिमेट्रिकल शेप्स अमंग देम एंड मेक अ कलेक्शन ऑफ देम। हमें यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर क्या करना है कि कुछ भी ट्रीज के लीव्स है, झाड़ मतलब झाड़ के पत्ते है, बर्ड्स इन फ्लाइट पिक्चर्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इस तरह से अलग अलग शेप्स आप लोगों के यहाँ पर बनाने हैं, उसके सिमेट्रिकल एक्सिस आप लोगों के यहाँ पर निकालने हैं। एक्टिविटी है, बच्चे खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लगा बच्चों ये वीडियो, अगर समझ में आए तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।